जो लोग ऐसा कहते हैं कि मूर्ति में क्या है, वो आए इन धामों में जहां साक्षात प्रभु का वास है। मुझे लोग कहते हैं कि महाराज जो 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 व्यापक ब्रह्म है, जो जगत के कण कण में बैठा है, तो क्या वो हमारी मूर्ति के अंदर ब्रह्म नहीं हो सकता है? एक और हम कहते हैं कि वो व्यापक है, जगत के कण कण में है, तो जब वो सर्वव्यापक ब्रह्म है तो वो हमारी मूर्ति के अंदर भी बैठा है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देता हूं हमेशा, कभी कभी जब ये चर्चा होती है, क्योंकि लोग मूर्ति पूजा का बहुत विरोध करते हैं, जिनको मूर्खों को मालूम नहीं है ये बात कि हमारे सनातन धर्म में श्री विग्रह का क्या महत्व है, मूर्ति का क्या महत्व है। अरे जो व्यापक ब्रह्म है, जो जड़ और चेतन में है, तो क्या वो भक्त की मूर्ति में नहीं हो सकता? ऐसा यदि नहीं होता तो मेरे बांके, आप कई बार सुन चुके हो कि मेरे बांके बिहारी साक्षात श्री वृंदावन में गोस्वामी जी लड्डू रखना भूल गए थे सेवा में, तो मेरे बांके बिहारी जी बाजार में लड्डू खरीदने के लिए भी पहुंच गए थे। ऐसा ना होता तो कैसे प्रभु पहुंच जाते? मैं आपसे पूछूं, यहां हवा है या हवा चल रही है ना? आप मुझे हवा दिखा दीजिए। आप कहेंगे कि महाराज श्री हम हवा कैसे दिखा सकते हैं, हवा की तो अनुभूति ही की जा सकती है। हमको अनुभूति हो रही है कि यह हवा चल रही है। अब हवा को दिखाया तो नहीं जा सकता है, उसका तो अनुभव ही किया जा सकता है। जैसे आप को बहुत पसीना हो और आप कमरे में जाएं, तो कमरे में भी हवा तो होती है। यदि हवा ना हो तो हमारे प्राण सुरक्षित नहीं रह सकते। लेकिन आप जब पंखे के सामने बैठकर के पंखा ऑन करते हैं और जब पंखा चलता है तो आपको लगता है कि हवा चली, हवा आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपको अनुभव हो गया। और पक्का अनुभव कब हुआ हवा का? जबकि आपका पसीना भी सूखने लगा। तो हवा तो पहले भी थी कमरे में, लेकिन आपको वो हवा दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब पंखा चला तो आपको ये पक्का मालूम हो गया कि हवा चल रही है, क्योंकि मेरा पसीना सूख रहा है। उसकी अनुभूति आपको होने लगी। इसी प्रकार से वो ब्रह्म व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है वो ब्रह्म। लेकिन कोई भक्त जब अपने भगवान के श्री विग्रह के सामने जाकर के जब बैठता है, जो व्यापक ब्रह्म हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वही व्यापक ब्रह्म जब भक्त की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है और भक्त अपने श्री विग्रह के सामने बैठकर के जब प्रभु का नाम जप करता है, जैसे आप पंखे को ऑन करते हैं, इधर भक्त अपने भगवान के सामने नाम जप प्रारंभ करता है। जो नाम जप सेवा पूजा नाम जप जो शुरू होता है श्री विग्रह के सामने बैठते ही, तो जैसे आप पंखे को ऑन करते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि हवा चली, क्योंकि मेरा पसीना सूख रहा है। इधर जब आप नाम जप शुरू करते हैं भगवान के श्री विग्रह के सामने उनकी सेवा करते हुए, तो आपको भी साक्षात उस मूर्ति में प्रभु की अनुभूति होना शुरू हो जाता है।
कि साकार मेरा गोविंद बैठा है, मेरा गोपाल बैठा है। उसका साकार दर्शन अनुभूति भक्त को होने लगती है।